हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है? व्हीटस्टोन ब्रिज, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। क्लियर है? ठीक है। व्हीटस्टोन साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो अपना प्रिंसिपल बनाया था, सर्किट बनाया था, क्लियर है, ये किसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बनाया था? अननोन रेजिस्टेंस। क्लियर है? और कौन सा अननोन रेजिस्टेंस है वो हम आपको बताता हूँ। और आपको ध्यान रखना है, ये भी हम क्या करेंगे, जो न्यूमेरिकल अरेंजमेंट दे रखे होंगे ना बेटा, उनको सॉल्व करने के लिए हम इनका यूज़ करने वाले हैं। क्लियर है? ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है और इस प्रिंसिपल को बेटा कंसंट्रेशन के साथ देखना, क्योंकि यहाँ से हमारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। ओके, सर्किट सॉल्व करने के अंदर काम आएगा। यह हमारे पास चार रेजिस्टेंस दे रखे हैं बेटा, कौन कौन से? R1, R2, R3, R4। क्लियर है? ठीक है। इसको हमने किसके साथ कनेक्ट कर दिया? एक सोर्स के साथ, और यहाँ क्या लगा दिए? की लगा दी। ठीक है, अब इस की का नाम क्या दे देते हैं हम? K1 दे देते हैं। ये हमारा सोर्स हो गया एनर्जी का। ठीक है, इस पॉइंट को क्या नाम दें? A, B, C, और ये कौन सा है? D। क्लियर है? A, B, C, D। अच्छा, इसका नाम क्या? ब्रिज। ब्रिज नाम क्यों पड़ा बेटा इसका? क्योंकि यहाँ बी से लेके डी तक क्या कर रखा हमने? एक वायर से इसको कनेक्ट कर रखा है। यहाँ हमने क्या लगा दिया है? गल्वेनोमीटर। क्लियर है? गल्वेनोमीटर क्या होते हैं बेटा? डिवाइस होती है जो क्या बताती है? प्रेजेंस ऑफ करंट। मेजर नहीं करती, प्रेजेंस बताती है। खाली ध्यान रखना, प्रेजेंस ऑफ करंट, के सर्किट में करंट है या नहीं है। इसके साथ हमने की लगा दी। ठीक है, और इसको जोड़ दिया हमने डी पॉइंट के ऊपर। ये की कौन सी है बेटा? K2 है। ये गल्वेनोमीटर है। क्लियर है? अब यहाँ हमें क्या है, मैंने क्या बोला है कि टू फाइंड आउट दी वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। इन तीन में नोन है, तीन रेजिस्टेंस नोन है और एक कैसा है? अननोन। हो सकता है ये तीनों नोन हो और एक कैसा हो? अननोन रेजिस्टेंस हो। क्लियर है? ठीक है, तो उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? व्हीटस्टोन का। व्हीटस्टोन ब्रिज क्यों बोला? क्योंकि बी से डी तक जो हमने वायर कनेक्ट कर रखे है वो किसकी तरह ट्रीट कर रही है? ब्रिज की तरह। ठीक है, अब एक बार करंट की डायरेक्शन देख लेते हैं बेटा। करंट की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। चले स्टार्ट करते हैं। यहाँ करंट कितना बेटा? आई है। कितना है? आई। अब ए पॉइंट कौन सा आ गया? तो आप बोलोगे सर जंक्शन पॉइंट है। जंक्शन बोलते हैं ना तीन या तीन से ज़्यादा, जहाँ से लाइन जा रही हो। तो ए पे कितना करंट आया था? सपोज करो 20 एम्पियर आया था। तो आप बोलोगे यहाँ कितना चला गया? ए यहाँ से करंट क्या हो जाएगा बेटा? डिवाइड हो जाएगा। करंट क्या हो जाएगा? डिवाइड। अगर मैं बोलूँ ये I1 है, ये कितना है? I1 है। तो ये करंट कितना बच जाएगा बेटा? तो आप बोलोगे सर I-I1। भाई ये अगर यहाँ से कितना चला गया इस ब्रांच में से, ब्रांच में पता है ना करंट कांस्टेंट रहता है, इस ब्रांच में से करंट चला गया 12 एम्पियर, तो इसमें से कितना चला जाएगा? 8। कैसे निकाला? 20 माइनस में 12। ये बात समझ आ रही ना बेटा? ध्यान से देख लेना, इसको ऊपर फोकस कर देता हूँ मैं। ठीक है, कितना आ गया? अगर यहाँ से 20 था तो यहाँ कितना चला गया? 12। तो यहाँ कितना आ गया? 8 आ गया। क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ से आप क्या बोलोगे? दोबारा कौन सा पॉइंट आ गया बेटा? आगे गए तो दोबारा जंक्शन पॉइंट आ गया। जो I1 12 एम्पियर था वो दोबारा क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से कितना करंट जाएगा? तो आप क्या बोलोगे? IG गल्वेनोमीटर करंट जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ से कितना करंट जाएगा? तो आप क्या बोलोगे? I1 माइनस IG। क्लियर है? करंट ध्यान से देख लेना बेटा, ये जंक्शन पॉइंट आया तो दोबारा डिवाइड हो गया। ठीक है, यहाँ से ऊपर से करंट आ रहा है कितना? अगर की को क्लोज कर रखा है जब हमने, IG करंट आने लग रहा है। क्लियर है बात? ठीक है, यहाँ से कितना करंट आ रहा है? I-I1। तो इस ब्रांच में से, DC ब्रांच में से कितना करंट जाएगा? तो आप क्या बोलोगे? यहाँ से आ रहा था 8 एम्पियर, यहाँ से आ गया 4 एम्पियर, तो यहाँ कितना चला जाएगा? 12 एम्पियर। तो 12 कैसे निकालेंगे? ये करंट D से C में करंट कितना जाएगा बेटा इस ब्रांच के अंदर? तो आप क्या बोलोगे? I-I1, और यहाँ से कितना आया? IG+IG। करंट समझ आते हैं बेटा? ध्यान से दोबारा देख लो, आई यहाँ से I1, तो यहाँ से I-I1। ठीक है, जंक्शन पॉइंट आ गया B और D। अब B के ऊपर जाके यहाँ आप क्या देख रहे हो? IG यहाँ चला गया। ठीक है, तो यहाँ कितना बच गया? I-I1 माइनस IG। अब ये IG नीचे आ गया और यहाँ से ये करंट आ रहा था, दोनों इस पॉइंट के ऊपर मिल गए दोबारा जंक्शन के ऊपर। तो यहाँ ऊपर कितना करंट जाएगा? This+this। तो ये हमने लिख दिया इस ब्रांच में से, इस ब्रांच का, इस ब्रांच का, इस ब्रांच का, इसका, इसका, सबके करंट समझ आते हैं। यहाँ मिलने के बाद दोबारा करंट कितना बन जाएगा बेटा? ध्यान से देखो, ये बी से आया सी के ऊपर, ये गया डी से सी के ऊपर, दिस एंड दिस।
दोनों को ऐड करो, ऐड करोगे तो आई वन से आई वन क्या हो जाएगा कैंसिल, आई जी से आई जी क्या हो जाएगा कैंसिल, तो सिर्फ दोबारा कितना बचेगा दोबारा आई करंट। तो वही तो चीज़ होती है बेटा, गया भी कितना था आई, आया भी कितना आई। ये बात समझ आती है पहले ये चीज़ देखो। व्हीटस्टोन ब्रिज किसके काम आता है, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, क्लियर है। अच्छा एक चीज़ का ध्यान रखना बेटा, जैसे हमारे पैरेलल सीरीज के कट चुके हैं सिलेबस से, आपको पता है ठीक है ना। तो एक गुड़िया है, क्या नाम है, उसने मेरे से सीरीज के क्वेश्चन पूछ रखे हैं बेटा। वैसे मैं बता दूंगा, लेकिन इतना बता दूं कि वो हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है। आई होप कि आपको समझ आती होगी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि वो हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है। तो ध्यान रखना बेटा, उनको करने की ज़रूरत आपको नहीं है। 64 65, क्या नाम है वो, तनीषा जांगड़ा है, क्या नाम है, ठीक है बेटा। तो 64 65 जो हमारे क्वेश्चन है ना, वो हमारे सीरी मिक्स कॉम्बिनेशन के हैं, जो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो आपको वो करने की ज़रूरत भी बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्लियर है बेटा, ठीक है। तो हमारा मोटिव किस चीज़ का था, हम क्या पढ़ने लग रहे थे, हमारे पास चार रजिस्टेंस हैं, अब हमें निकालनी है एक अननोन रजिस्टेंस की वैल्यू। तो कैसे कॉम्बिनेशन करेंगे इन रजिस्टेंस का, तो आप क्या बोलोगे, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R3 प्लस R4 हो सकता है रिलेशन, बिल्कुल। R1 माइनस R2 इज इक्वल टू R3 प्लस R4 हो सकता है। R1 बाय R2 इज इक्वल टू R3 इनटू में R4। तो मेरा कहने का मतलब है, पता नहीं क्या कॉम्बिनेशन बनेगा। कॉम्बिनेशन कैसे निकालेंगे, हम देखते हैं कि क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है। उसी कॉम्बिनेशन के लिए हम क्या करने लग रहे हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। अब ध्यान से देखना बेटा, अब यहाँ से अगर मैं कहूँ पॉजिटिव है, इस पॉइंट का पोटेंशियल कैसा है, पॉजिटिव, ठीक है। इस पॉइंट का पोटेंशियल कैसा है, नेगेटिव, मतलब ये पॉइंट कैसा है, हायर पोटेंशियल पे, ये पॉइंट कैसा है, लोअर पोटेंशियल पे। आपने बी से एक वायर टच की, क्लियर है। अब मैं बी से इस वायर को टच करके और यहाँ टच कर दूँ, तो गलवेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा या नहीं करेगा। आप ध्यान से देखना मेरी बात, ध्यान से सुनना। ए का पोटेंशियल हाई है, बी पे जाते जाते ड्रॉप हो गया, बी का पोटेंशियल आ गया, यहाँ से गए, यहाँ ड्रॉप हुआ, यहाँ पहुँच गए। अब जब मैंने इस वायर को यहाँ टच नहीं किया डी के ऊपर, और कहाँ टच किया, इस पॉइंट के ऊपर, तो गलवेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा या नहीं करेगा, ध्यान से देखो, मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। तो आप क्या बोलोगे, सर इसका पोटेंशियल है कम और इस पॉइंट का पोटेंशियल है ज़्यादा, ये बात समझ आ रही है। इसका पोटेंशियल ज़्यादा क्यों, क्योंकि कोई ड्रॉप नहीं हुआ, मैंने पहले बनाया रेजिस्टेंस से। तो हम क्या बोलेंगे, गलवेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा, करेगा, क्लियर है। यहाँ का पोटेंशियल कितना था, 30 था, और यहाँ का कितना था, 50 था। तो उस केस में गलवेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो किया, चार्ज मूव कर गया हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। अब मैंने उसको यहाँ टच किया, यहाँ टच किया, तो भी गलवेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो किया। तो मैं क्या बोला, हमें कौन सा पॉइंट नहीं मिला, हमें नल पॉइंट नहीं मिला, क्लियर है बात, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ टच किया, इस वायर को यहाँ टच कर दिया, यहाँ का पोटेंशियल कितना था, 50 था, यहाँ का पोटेंशियल कितना था, 60 था। तो बी गलवेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा, जब बी को मैंने 50 और डी के ऊपर केस का भी 50 था, तो उस केस में गलवेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल कैसा आ गया बेटा, सेम आ गया। अगर पोटेंशियल सेम है तो गलवेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, ये बात समझ आती है ना आपको, क्लियर है। गलवेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। अब सुनो ध्यान से मेरी बात, अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम सर्किट ले लेते हैं, ABDA क्लोज लूप ले लेंगे, क्या अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, किरचॉफ सेकंड लॉ, क्लियर है बात, क्या अप्लाई करेंगे, किरचॉफ सेकंड लॉ। कैसे अप्लाई करना है, सबसे पहले क्लोज लूप लो, ABDA कौन सा लिया, क्लोज्ड लूप ABDA, क्लियर है, क्लोज लूप ABDA, ठीक है। अब ABDA करेंगे जब हम, तो इस केस में स्टार्ट कर दो बेटा, ध्यान से, क्लियर है ना, जो हमारी डायरेक्शन है वही करंट की होगी, तो हम पोटेंशियल ड्रॉप कैसा लेंगे, पॉजिटिव, अगर वो पॉजिटिव होगी तो नेगेटिव। चलो स्टार्ट करो, क्लोज लूप ABDA, ए से गए बी, कोई हुआ ड्रॉप, बिल्कुल हुआ, ठीक है ना। दो चीज़ें बताई थी मैंने, एक तो बनाने वाला होता है और दूसरे खाने वाले होते हैं, ठीक है ना, एक तो सप्लायर होता है और एक कंज्यूमर होता है, ठीक है। अब यहाँ कौन दिखा आपको, ड्रॉप करने वाला, ठीक है। पोटेंशियल ड्रॉप का फॉर्मूला V इज इक्वल टू IR, अब I कितना इस ब्रांच में से I1 है और रेजिस्टेंस कितना R1, तो क्या आ जाएगा, जो हमारी डायरेक्शन वही करंट की डायरेक्शन, तो हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव I1 R1। ABB से कहाँ जाना है, D, B से गए D, है यहाँ पे कोई, तो हम बोले गलवेनोमीटर है, गलवेनोमीटर करंट है, रेजिस्टेंस कितना इसका, गलवेनोमीटर का G है, ठीक है। तो पोटेंशियल ड्रॉप करंट कितना, IG, और रेजिस्टेंस कितना, जी, तो हम क्या बोलेंगे, इसके अंदर से पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ गया बेटा, जो हमारी डायरेक्शन वही करंट की डायरेक्शन है, तो हम क्या बोलेंगे, IG
और जी बेटा इसको आर जी लिख लो, आपकी मर्जी है, रेजिस्टेंस ऑफ गलवेनोमीटर तो आर जी भी लिख सकते हो, मर्जी है, मैंने तो जी मान लिया इसके। अब डी पे पहुंच गए, डी से कहाँ गए, जाए ए के ऊपर जाए, जब डी से ए के ऊपर जा रहे, करंट की डायरेक्शन हमारी डायरेक्शन के कैसी है, ऑपोजिट, हमारा रास्ता डी से ए का है और करंट की डायरेक्शन ए से डी की, तो इसका मतलब पोटेंशियल ड्रॉप कैसा होगा, नेगेटिव, तो क्या बन जाएगा बेटा, माइनस करंट कितना इस ब्रांच में से, आई माइनस आई वन आई इंटू आर रेजिस्टेंस कितना आर थ्री, बस पहुंच के दोबारा ए के ऊपर, कोई आया एनर्जी का सोर्स नहीं आया, तो हम क्या लिखेंगे इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है, ये बात समझ आती है, ठीक है। उसके बाद देखो ध्यान से बेटा, ये क्लोज लूप हमारा कौन सा आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक और क्लोज लूप लेंगे, कौन सा, बी सी डी ए, कौन सा क्लोज लूप लेंगे, बी सी डी ए क्लोज्ड लूप, बी सी डी ए क्या आ गया, क्लोज लूप बी सी डी ए, ठीक है। अब क्लोज लूप बी सी डी ए, ध्यान से आप चलो बी से चले सी, पोटेंशियल ड्रॉप बताओ, जो हमारी डायरेक्शन वही करंट की डायरेक्शन, तो कितना बन जाएगा, I1 वन माइनस आई जी इंटू रजिस्टेंस कितना आर टू, बी सी सी से कहाँ चले डी, जो हमारी डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन है करंट की, तो क्या लेंगे माइनस का, करंट कितना इस ब्रांच में से बेटा, I माइनस I1 वन प्लस में आई जी, रजिस्टेंस कितना है आर फोर है। उसके बाद डी से कहाँ जाना हमें, ए के ऊपर डी से कहाँ जाना है, सॉरी बी सी डी बी, बी है ना, ये क्लोज लूप है, बी सी डी बी, डी से बी पे गए, जो करंट की डायरेक्शन हमारी अपोजिट, तो साइन कैसा लगाएंगे, नेगेटिव, कितना बन जाएगा आई जी जी, पहुंच गए बी के ऊपर ही दोबारा, तो उस केस में कोई है सप्लायर नहीं है, तो जीरो आ गया। क्लियर है बात, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, एक चीज क्या, केस के अंदर दो कंडीशन होती है हमारी, बैलेंस और अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस का क्या मतलब है कि अगर मैं इस वायर को यहाँ टच कर रहा था तो अनबैलेंस कंडीशन थी, डिफ्लेक्शन था। बैलेंस कंडीशन का क्या मतलब है, देर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गलवेनोमीटर। बैलेंस कंडीशन कौन सी है, बैलेंस्ड कंडीशन। बैलेंस कंडीशन कौन सी है, व्हेन आई जी इज इक्वल टू जीरो। आई जी इज इक्वल टू जीरो का क्या मतलब है कि जब गलवेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा, कब नहीं करेगा शो गलवेनोमीटर डिफ्लेक्शन, जब पोटेंशियल बी और डी का कैसा होगा, इक्वल होगा। क्लियर है बात, ठीक है। जब बी और डी का डिफ्लेक्शन कैसा होगा, सॉरी पोटेंशियल सेम होगा, तो गलवेनोमीटर में से करंट ही पास नहीं होगा। ये बात समझ आती है बेटा, बैलेंस कंडीशन कौन सी है, बैलेंस कंडीशन व्हेन देयर इज नो करंट, व्हेन देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गलवेनोमीटर, ठीक है। तो जो हम पढ़ने लग रहे हैं वो कौन सी कंडीशन पढ़ रहे हैं, बैलेंस कंडीशन, बैलेंस्ड कंडीशन। क्लियर है बात, समझ आ रही है बात, हम कौन सी कंडीशन पढ़ेंगे, बैलेंस कंडीशन। अनबैलेंस कंडीशन समझ आती है, व्हेन देयर इज डिफ्लेक्शन इन द गलवेनोमीटर, लेकिन हम कौन सी पढ़ रहे हैं, बैलेंस कंडीशन, मतलब गलवेनोमीटर में से कोई करंट नहीं है। गलवेनोमीटर में से कोई करंट नहीं है तो आई जी क्या बन जाएगा, जीरो। हम कौन सी कंडीशन पढ़ रहे हैं, बैलेंस। बैलेंस का मतलब देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गलवेनोमीटर, मतलब कोई करंट ही नहीं है। अगर नहीं है तो ये टर्म क्या बन गई बेटा, हमारी जीरो बन गई। क्या बन जाएगा ये, आई वन आर वन, ये टर्म बन गई जीरो। इसको भी बना लो, क्या बन जाएगा ये हमारे पास, माइनस आई वन आर थ्री इज इक्वल टू जीरो। ये बात समझ आती है। अब क्या करो, ये आई वन आर वन इक्वल टू कर दो बेटा इसको, ये नेगेटिव है, ये टर्म उस साइड जाके क्या बन जाएगी, पॉजिटिव, तो क्या बन जाएगी, आई माइनस आई वन इंटू में आर थ्री। ये हमारी इक्वेशन कौन सी बन गई, फर्स्ट बन गई। क्लियर है बात, ठीक है। कौन सी बन गई हमारे पास, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। अब यहाँ भी हम क्या कर देंगे, आई जी जीरो कर देंगे। क्लियर है, क्या कर देंगे, आई जी जीरो कर देंगे। जब आई जी जीरो करेंगे तो देखो ये टर्म पूरी क्या बन जाएगी, जीरो बन जाएगी, और ये आई जी वाली टर्म क्या बन जाएगी, जीरो, ठीक है। अब अंडर बैलेंस कंडीशन क्या बन जाएगा, ये आई वन माइनस आई जी किसके इंटू में आर टू। क्लियर है बात, ठीक है। और यहाँ हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, माइनस ये टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, आई माइनस आई वन इंटू में आर फोर, ये टर्म क्या बन गई, जीरो, और इज इक्वल टू जीरो। आई जी भाई बैलेंस कंडीशन की बात करें तो आई जी कितना बन गया, जीरो बन गया। अगर आई जी जीरो बन गया तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये भी जीरो बन गया ना, आई जी ये भी जीरो बन गया। अच्छा सॉरी, एक यहाँ भी आई जी था बेटा, इसको भी कैंसिल करो, इसको हटा रहा हूँ, कोई बात नहीं, नीचे कर रहा हूँ मैं, ये भी तो आई जी था। ध्यान से देखो, ये आई जी था तो ये भी जीरो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, आई वन आर टू, आई वन आर टू बनेगा, ये जीरो बन गया,
ये नेगेटिव उस साइड जाके किसका बन जाएगा, प्लस का, I माइनस I1 इंटू में R4। ये हमारी कौन सी इक्वेशन आ गई, सेकेंड आ गई। बात समझ आई है बेटा, हमने पहले क्रिचॉफ वोल्टेज लो लगा दिया, सेकेंड लो लगा दिया इन दोनों के ऊपर, ये इक्वेशन बनाई थी। फिर उसके बाद बैलेंस कंडीशन, बैलेंस कंडीशन IG क्या कर दिया, जीरो, जहाँ भी IG दिखे उसको क्या कर दिया हमने, जीरो कर दिया, ठीक है उस टर्म को। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। अब क्या करो, डिवाइड कर दो फर्स्ट और सेकंड को, क्या कर दोगे, डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, ठीक है। डिवाइड करना, एक बार थोड़ा स्पेस कम, ऐसी पेज पे समझा रहा हूँ बेटा मैं। डिवाइड करना लेफ्ट हैंड साइड, आई वन आर वन, ये क्या है आई वन आर टू, आई वन से आई वन क्या हो जाएगा डिवाइड करने के बाद, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, आई वन, आई वन कैंसिल, क्या बन जाएगा आर वन बाय में आर टू इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड क्या है देखो ध्यान से, राइट हैंड साइड आई माइनस आई वन आर थ्री, आई माइनस आई वन आर फोर, आई वन माइनस दिस कैंसिल हो गए, क्या बच जाएगा आर थ्री बाय आर फोर। ये हमारे पास क्या आ गई बेटा, ये हमारे पास आ गई रजिस्टेंस का रिलेशन। मैं आपको कह रहा था ना चार रजिस्टेंस अरेंज कर रखे हमें हमने, तो रिलेशन क्या बनेगा, आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू दिस क्या बनेगा, मल्टीप्लाई करेगा, डिवीजन सब्ट्रैक्शन एडिशन क्या बनेगा, तो हमारा रिलेशन क्या बना है बेटा, आर वन बाय आर टू दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस। क्लियर है बात, ये बात समझ आती है, ठीक है। पर एक चीज़ का ध्यान रखना, जब गलवैनोमीटर में से कोई भी करंट नहीं पास हो रहा, मतलब कौन सी कंडीशन है ये, बैलेंस, क्लियर है। अब हमारे पास आर वन की वैल्यू दे रखी है, आर टू की दे रखी है, आर फोर की दे रखी है, आर थ्री निकालना है, तो इसके लिए मैं क्या बना रहा हूँ, इसके क्रॉस मार रहा हूँ, क्रॉस का मतलब क्या, ये क्या हमारा अननोन रजिस्टेंस है, तो आर थ्री की वैल्यू निकाल सकते हो आराम से, आर फोर को मान ले जाओ बस, ये तीनों वैल्यू दे रखी है, 10 ओम, 15 ओम, 13 ओम, जो भी है, आप आर थ्री की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, क्लियर है बात, ठीक है। तो उस केस के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है बेटा, हमारा क्या था व्हीटस्टोन ब्रिज किसके लिए था, टू फाइंड आउट दी वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। तो हमने क्या किया, सर्किट बनाया बेटा, ठीक है, और कौन सी कंडीशन पढ़ रहे हम, बैलेंस कंडीशन, व्हेन देयर इज नो करंट इन द गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो क्लोज लूप पहले ए बी डी है, दूसरी बार बी सी डी भी, हमने क्या लगा दिया, किरचॉफ का वोल्टेज लो लगा दिया, ठीक है, सेकंड लो लगाया, और उसके बाद बैलेंस कंडीशन के अकॉर्डिंग दो इक्वेशन बना ली, इक्वेशन बना के डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास जो चार रेजिस्टेंस हमने अरेंज कर रखे थे, ठीक है, उनका रिलेशन क्या बना है, ये बना है, क्लियर है बेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, हर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसको आप कर लेना बुक से अच्छे से आज, क्लियर है, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर मैं क्या है, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक था थोड़ा सा, तो इसके अंदर दो तीन टॉपिक आ नहीं सकते बेटा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं दो दो करके न्यूमेरिकल लूंगा। अब वो लड़की क्या नाम है जांगड़ा बेटा, अगर आप रजिस्टेंस के कर रहे हो न्यूमेरिकल, तो हमारा रजिस्टेंस सिलेबस में नहीं है, न्यूमेरिकल सिंपल से है, फिर भी अगर आप कहोगे सर करवा दो तो मैं करवा दूंगा, आज ही मेरे को रिप्लाई कर देना। 12th क्लास के स्टूडेंट अपना होमवर्क मेरे को भेजेंगे अपनी नोटबुक से, क्लियर है, उसी बेस के ऊपर मैं अटेंडेंस भेजूंगा शगुन सर को, ओके बेटा, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है, बाय।